हो गए 50 तालियां। दोस्तों सर आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेज करके बताएंगे प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं मैं रेंडी प्लेटफॉर्म में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 2021 का अभी तक का सबसे एवर बेस्ट इनकम प्लान है, जो बहुत सारे हमारे सारे जीवन में एक क्रांति लाने वाला प्लान है ये कहीं कहीं। और इतने बड़े अचीवमेंट हम यहाँ से लेने वाले हैं कि जो अमेजिंग नहीं किया होगा किसी ने। मेरा ये पक्का विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ पे साथ में हैं तो 2022 जनवरी में हम जब प्रवेश करेंगे तो कोई भी दोस्त करोड़पति से नीचे नहीं होगा, अगर वो यहाँ पे थोड़ा समझे और थोड़ा सा मेहनत से काम कर ले अगर आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर। और आज का सेशन हमारा स्पेशल थोड़ा इसलिए है कि रोज हमारा जो प्रेजेंटेशन रहता है वो स्लाइड पे रहता है, और आज जो प्रेजेंटेशन प्लान का होने वाला है अपना, जो बहुत सीनियर लीडर है हमारे मिस्टर मकसूद अली खान वो लेने वाले हैं, वो पूरा बोर्ड पे रहेगा। जैसे हम किसी को पेपर पे प्लान समझाते हैं उस तरीके से रहेगा, तो आप सीरियसली उस प्लान को देखें और समझें, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे आपका प्लान, तो जिसमें जिस भी दोस्त की कोई अगर क्वेरी हो तो वो वहाँ पे हैंड रेज करेगा, तो हम उसको अनम्यूट करेंगे ताकि वो अपने कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे और उसका आंसर यहाँ से हम देंगे पूरा। तो मैं वेलकम करूंगा आप सबकी वार्म वेलकम के साथ में हमारे बहुत सीनियर ग्रेट लीडर मिस्टर मकसूद अली खान को। तो मकसूद जी मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, ओवर टू यू मकसूद। यस सर, थैंक यू सर। वॉइस क्लियर सर? मेरी वॉइस आ रही है सर? प्रोसेसिंग जी एक बार बता दीजिए, वॉइस क्लियर है और बोर्ड विजिबल है क्या? हाँ वॉइस क्लियर आ रही है एकदम, और बोर्ड भी विजिबल है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं एमए खान आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन पे वाणी वेन का पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से मैडम प्रेजेंटेशन देती है। एक बार थैंक यू कहूंगा और क्लैपिंग चाहूंगा आप लोगों से। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे आज, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं सबके सब नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं, अनुभव रखते हैं, और हम लोगों का क्या है, जब तक पेपर पे या बोर्ड पे जब तक हम गोले नहीं बनाते ना, तब तक ना तो मजा आता है ना कंफ्यूजन दूर होता है। इसीलिए आज हम यहाँ पे बोर्ड पे हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन हैं, आपके जो भी कंफ्यूजन हैं, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे जो है मैं क्लियर कर सकूँ, और एक सरल भाषा में जो है लैंग्वेज में हम इस पूरे प्रेजेंटेशन को जो है समझेंगे। एक लाइन में अगर हम इसकी बात करें, आज तक हम सुनते आए हैं जो इसकी टैगलाइन है रेंडियर, इसकी टैगलाइन है फर्स्ट एवर हाइब्रिड मैट्रिक्स क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। अब जो साथी क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वर्क कर चुके हैं वो लोग इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ साथी यहाँ पे नए भी हैं। मैं इनकी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हम ज्यादा जो है पूरा का पूरा जो है अपना जो है प्लान करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे कि मैट्रिक्स कैसे यहाँ पे रन करता है। लेकिन आप भले ही इनके बारे में जानते हो, आपने जो भी सुना हो, जो भी आपने किया हो या देखा हो, उससे आप इसको कंपेयर करते हुए साथ साथ में चले, ताकि हम ये देख पाए कि किस तरह रेंडियर जितने भी प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैं उनसे किस तरह ये अलग है और किस तरह ये सबसे बेस्ट है। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्लान की। सबसे पहले ये जो रेंडियर सिस्टम है दोस्तों, हमने देखा सुना क्राउड फंडिंग का सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, ना ही जो है इसका कोई यहाँ पे ओनर है, ना ही यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रोडक्ट की सेलिंग है, और ना ही ये इन्वेस्टमेंट जो है
प्लान यहाँ पे ये है। सिंपली अगर हम बात करें तो ये क्राउड फंडिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो रन करता है हेल्पिंग सिस्टम से, यानी कम्युनिटी में जितने भी लोग आएंगे वो एक दूसरे की हेल्प करने के आधार पे ही चलेगा, और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों के बीच में आपस में जो है पीयर टू पीयर यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन होंगे। क्राउड फंडिंग की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, सदियों से हमारे समाज में चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हम बात करते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की तो लगभग 2011 में दोस्तों एक सिस्टम आया, 2011 में एक सिस्टम आया क्राउड फंडिंग का जिसने इंटरनेशनली बहुत बड़ा काम किया। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या कई साथियों ने किया भी होगा, लेकिन वहां पे दोस्तों फर्क क्या है आज में और उस समय में, क्योंकि उस समय जो है जितने भी ट्रांजैक्शन कम्युनिटी के लोगों के बीच में हुआ करते थे वो ट्रांजैक्शन होते थे बैंक टू बैंक, यानी हर व्यक्ति एक दूसरे के बैंक अकाउंट में जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन करता था। यहाँ जो है इसका ड्रॉबैक क्या था, एक तो जो प्रोसेस था इसका वो एक बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस था, हर व्यक्ति को बैंक में जो है जाके पेमेंट जमा कराना पड़ता था, ट्रांसफर करवाना पड़ता था, कॉल करना पड़ता था जिसको ट्रांसफर किया है। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे कमी क्या थी, इंटरनेशनली कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रांजेक्शन करना होता था तो वहां पे ये सिस्टम काम यहाँ पे नहीं करता था। दूसरा सबसे जो ड्रॉबैक था ये था एडमिन। हमने देखा है कोई भी सिस्टम हो चलता किससे, सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर जो है वो रन करता है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा और ट्रांजेक्शन किस तरह से होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एडमिन जो है वो रहता है उस कंपनी का ओनर, वही रहता है और वही डिसाइड करता था किसको पेमेंट देना है, किसको कितना देना है, किसको नहीं देना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन जो है यहाँ पे होती थी, लेकिन हमने देखा है कोई भी सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई प्रोडक्ट हो, जब शुरुआत में कुछ आता है उसमें समय के साथ साथ सुधार होते रहते हैं, उसके एडवांस वर्जन जो है आते रहते हैं। तो इसी का एडवांस वर्जन जो क्राउड फंडिंग का हमने देखा लगभग 15 महीने पहले, सबसे पहले जो है ये सिस्टम क्राउड फंडिंग का सिस्टम जो है वो जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हमारे सामने आया। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये पहली बार जब हमने देखा तो यहाँ पे जो अभी हमने ड्रॉबैक की बात की पुराने सिस्टम्स में वो यहाँ पे दूर हो गई, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से हम बात करें तो एक तरह से ये सॉफ्टवेयर ही है, ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये रन कहाँ पे करता है, ये रन करता है ब्लॉकचेन पे। इस सॉफ्टवेयर में हमने जो भी कोडिंग की है कि इस कम्युनिटी के बीच में किस तरह से ट्रांजेक्शन होंगे वो पूरा सॉफ्टवेयर में आ गया, फिर उसको ब्लॉकचेन पे जो है डिप्लॉय किया जाता है और वहां पे जो है इसको वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद में जो है यहाँ पे किसी भी एडमिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो पहले जो सिस्टम में जो कमी थी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो कमी यहाँ पे दूर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक बार बन के अगर जब डिप्लॉय हो जाता है ब्लॉकचेन पे उसके बाद में इसको बनाने वाले जो है वो भी इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते और ना ही इसको बंद कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक रन करता है। कई साथी सवाल करते हैं कि कब तक चलेगा, तो दोस्त जब तक ब्लॉकचेन चलेगी, जब तक इंटरनेट चलेगा, तब तक ये सिस्टम चलेगा। एक बंदा भी अगर यहाँ पे इस कम्युनिटी में आएगा उसका फंड जिसको ट्रांसफर होना है तो उसी समय वहां पे उसका फंड जो है ऑटोमेटिक वहां पे विद इन अ सेकंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का एडमिन जो है काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मैनिपुलेशन की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जब ये ब्लॉकचेन पे आ गया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया इसीलिए इसका कोई ओनर नहीं है, कोई ओनर नहीं है, इसलिए कोई एडमिन नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन पे काम जो जितने भी ट्रांजेक्शन चलते हैं वो चलते हैं दोस्त क्रिप्टो पे, जिसके बारे में आप और हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये एक पहला ऐसा जो है ब्लॉकचेन जो पहली आई बिटकॉइन की, उसके साथ जो पहली करेंसी आई जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, इससे ये पॉसिबल हुआ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में अगर बैठा हो कुछ ही सेकंड के अंदर किसी को भी जो है फंड ट्रांसफर कर सकता है, वहां पे बैंक की या किसी मिडिलमैन की जो है वहां पे जरूरत नहीं होती। इसलिए जो है वो जो कमियां थी पुराने जो सिस्टम थे उनकी जो कमियां दूर की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने। लेकिन जैसा हमने देखा कि उस सिस्टम में सुधार हुआ उसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हम लगभग पिछले 15 महीनों से लगभग ये सिस्टम स्टार्ट हुए तब से हमने देखा भी है, कुछ साथियों ने किया भी होगा, इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं रेंडियर,
ये एक एडवांस वर्जन है आज तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए उनका, क्योंकि उनमें भी जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक थे, उनको यहाँ पे दूर कर दिया गया है। कंपैरिजन करने के लिए मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा, पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया वो स्टार्ट हुआ इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, किया भी होगा, लेकिन क्या था, ये जब इथेरियम की ब्लॉकचेन की गैस फीस बढ़ने के कारण, अब जो साथी गैस फीस नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब भी हम ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी फंड हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो ब्लॉकचेन पे उसकी एक फीस जाती है जिसको कहते हैं हम गैस फीस, और ये बहुत नॉमिनल होती है, अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग होती है। लेकिन इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आज भी सबसे बड़ी समस्या यही लोगों के सामने आ रही है कि इसकी गैस फीस बहुत ज्यादा है। यानी कोई बंदा अगर $20 अगर कहीं पे सेंड कर रहा है तो उसको भेजने में जो है $20-$40 जो है वहां पे गैस फीस के चले जाते हैं। तो इसी कारण से जो है ये प्रोजेक्ट है स्टार्ट हुआ इथेरियम से, लेकिन गैस फीस बढ़ने के कारण वो वहां पे जो है एक तरह से रुक गया। और उसके बाद जो सिस्टम आगे बढ़ा, ये पूरा के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गए ट्रोन पे, जिसको हम TRX कहते हैं। और आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, रोज कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता था कि ट्रोन के बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ट्रोन भी एक कॉइन है, और हमने देखा पिछले 5-6 महीनों में किस तरह क्रिप्टो करेंसी में बहुत तेजी के साथ जो है उछाल आया और बहुत ज्यादा रेटें बढ़ गई। जब ये प्रोजेक्ट ट्रोन पे स्टार्ट हुए उस समय एक ट्रोन की रेट ₹2 से कम थी, INR की बात कर रहा हूँ, ₹2 से कम थी। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि ये जो है जंप करके एक बार ₹14 पे भी चला गया था, और आज भी जो है लगभग ₹4-5 के आसपास इसकी रेट चल रही है। यानी आज कोई बंदा आ रहा है जिसको ₹2 देने पड़ रहे हैं, उसको जो है रेट बढ़ने के कारण 14 गुना ज्यादा देना पड़ा, और इसी कारण जो है ये सिस्टम भी यहाँ पे आके रुक गया। तो ये कुछ कमियां थी जिसमें सुधार किया गया, और आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिस्टम शुरुआत हुआ, तो ये एक स्टेबल कॉइन पे जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ी जो है, आप अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे काम करता है। अभी हमने बात की गैस फीस की और जो है पीछे के उस कॉइन, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे काम करता है। बाइनेंस की ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो किसी भी ब्लॉकचेन की दो खासियत होती है, एक तो होती है उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, और दूसरा गैस फीस। आज अगर हम बात करें, आप जाके गूगल चेक करेंगे तो जितनी भी ब्लॉकचेन आई उनमें सबसे ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है बाइनेंस की है, ब्लॉकचेन की है। और बाइनेंस ने अपनी ब्लॉकचेन के साथ साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली जो है एक ब्लॉकचेन बनाई जिसको कहते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन। यानी ये बनाई गई है कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सके। तो इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड भी बहुत ज्यादा है, प्लस इसकी गैस फीस भी बहुत नॉमिनल है। यहाँ पे जो गैस फीस जाती है वो जो बाइनेंस का जो कॉइन है BNB, आप लोग जानते होंगे, उसमें जो ट्रांजेक्शन फीस जाती है वो BNB में जाती है, और वो लगभग $1-2 के आसपास जो है गैस फीस जो है इसकी यहाँ पे रहती है। तो ये यहाँ पे जो है एक तरह से एडवांस इसका वर्जन जो है हम इसको कह सकते हैं। दूसरा जो है बाइनेंस पे ये रन करेगा, लेकिन इसका जो ट्रांजेक्शन होंगे वो होंगे BUSD में। और BUSD क्या है दोस्तों, ये बाइनेंस का USD है, एक स्टेबल टोकन है जो हमेशा इक्वल टू $1 ये रहता है। मार्केट में कितना भी उतार आए, कितना भी जो है वो अप हो जाए, लेकिन ये हमेशा इसकी वैल्यू $1 के बराबर रहती है। इसके कारण आज जो व्यक्ति इस सिस्टम में आ रहा है उसको भी उतना ही पे करना है, जो बंदा 6 महीने बाद आएगा उसको भी उतना पे करना है, जो बंदा 1 साल बाद में यहाँ पे एंट्री लेगा उसके लिए भी वो सेम रहेगा। मार्केट के अप्स और डाउन से जो है इस सिस्टम पे कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा, और लगातार कंटिन्यू जो है ये सिस्टम जो है यहाँ पे चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। अभी तक हमने बात की ब्लॉकचेन, तो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रन करेगा, BUSD में इसके ट्रांजेक्शन होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा, जिससे किसी का कोई भी जो है अधिकार हम कहते हैं या इंटरफेयर है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस प्लान की। जो क्राउड फंडिंग के जो प्लान आए उसमें कई तरह के प्लान होते हैं, लेकिन ये पहला वर्ल्ड का पहला जो है हाइब्रिड मैट्रिक्स प्लान है। आज तक आपने देखा मैट्रिक्स प्लान, लेकिन ये हाइब्रिड मैट्रिक्स है। क्यों है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे
देखेंगे आज तक जितने भी प्लान चले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्राउड फंडिंग के, वहां पे हर सिस्टम में दो चार अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं, पर वहां पे व्यक्ति को हर मैट्रिक्स में अलग से जो है एंट्री लेनी पड़ती है, प्लस साथ ही साथ अलग से जो है वहां पे जो है अपग्रेड करना पड़ता हर मैट्रिक्स को सॉरी लेकिन जो पैसा यहाँ पे आता है चार्ट आप देखे, आपने देखे होंगे बहुत सारे चार्ट दिखाते हैं कि आपको इस मैट्रिक्स से इतने लाख डॉलर आएंगे, इतने लाख डॉलर आएंगे, लेकिन जो पेमेंट आता है एक बंदे के पास वो अपग्रेड करने में वहां पे आगे से आगे जाता रहता है। तो वहां पे जो है बचत जिसको कहते हैं, जो प्रॉफिट कहते हैं, जो अर्निंग कहते हैं, वो जो है बहुत कम लोगों के पास बचती है। लेकिन ये पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है दोस्तों, जहां पे सिंगल एक मैट्रिक्स है वहां पे पूरी वर्किंग होगी और बाकी के जो मैट्रिक्स है वो उससे कनेक्टेड है, जो ऑटोमेटिक वहां पे रन करेंगे। यानी आपको हर मैट्रिक्स को बाय करने की और बार बार आपको अपग्रेड करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। इसी कारण यहाँ पे कोई व्यक्ति आएगा वो शुरुआत एक छोटे से अमाउंट से करके और जो है अपग्रेड करता हुआ भी अगर आगे बढ़ेगा तब भी एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट उसको यहाँ पे मिलेगा, बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे उसको होने वाली है। तो हम बात करते हैं हाइब्रिड मैट्रिक्स कैसे काम करता है। यहाँ पे दोस्तों ये मैट्रिक्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका पहला जो पार्ट है वो है सेल्फ मैट्रिक्स, और ये सेल्फ मैट्रिक्स है दोस्तों वर्किंग का मैट्रिक्स। यानी आप जितना भी वर्क करेंगे, जितनी भी आपकी वर्किंग होगी वो यहां से उससे ये मैट्रिक्स यहाँ पे चलने वाला है। और ये कैसे रन करेगा उसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा और हो सके तो अगर पेपर पे भी आप नोट करके रख लेना, क्योंकि आज वन टू वन जब हम बात करते हैं तो सारी चीजें पेपर पे क्लियर होती है। तो आप नोट करके रख लीजिए ताकि आपको जो है ये सारी चीजें ध्यान रहे कि मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। तो सेल्फ मैट्रिक्स में दोस्त दो मैट्रिक्स है, पहला है क्लब 9 जिसको हम कहते हैं C9 और दूसरा है क्लब 3 जिसको कहते हैं C3। ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे काम करते हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे एंट्री लेगा, सॉरी मैं आपको बता दूं इस सिस्टम में आप एंट्री लेने कितने से लेंगे, तो यहाँ पे आपको BUSD में 20 BUSD से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक नॉमिनल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट आज के तारीख में मायने रखता, अगर INR में हम बात करें तो लगभग 1600 रुपए उससे यहाँ पे एंट्री ले सकता है। और इसके ट्रांजेक्शन करने पे BNB में जो इसकी ट्रांजेक्शन फीस जाएगी $1 से $2, तो इसका अगर हम मिला ले ट्रांजेक्शन फीस के साथ भी तो लगभग 1800 रुपए से कोई भी व्यक्ति सिस्टम में एंट्री ले सकता है और जो है आगे बढ़ सकता है। तो 20 BUSD से इसकी यहाँ पे शुरुआत जो है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा C9 में। कोई भी व्यक्ति आएगा उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे C9 पे होगा। और मैट्रिक कैसे चलेगा उसकी हम बात करते हैं। ये आपकी अप्लाई है और आपने अपना रजिस्ट्रेशन जैसे ही किया आपकी एंट्री होती है C9 में, यहाँ पे एंट्री होती है। और C9 में दोस्तों जो मैट्रिक्स है वो है 3x9 का, यानी पहले लेवल पे 3 लोग, उसके नीचे वाले पे 9 लोग। तो यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स कैसे काम करता हम देखते हैं। आपके पहले लेवल पे यहाँ पे 3 लोग रहेंगे। आपने किसी व्यक्ति को यहाँ पे स्पॉन्सर किया, वो पहला बंदा आपके यहाँ पहली जगह पे आके यहाँ पे उसकी एंट्री होगी। अब ये व्यक्ति आप स्पॉन्सर कर रहे हो वहां से भी आ सकता है, और आपकी अपलाइन अगर तीसरे के बाद में आपकी अपलाइन किसी को स्पॉन्सर करती है तो वहां से भी ये आपके जगह यहाँ पे भर सकती है। यानी यहाँ पे आपकी अपलाइन जो काम कर रही है उसका फायदा भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये व्यक्ति यहाँ आया, आपने स्पॉन्सर किया है, आपकी अपलाइन से आया, इसका 100% अमाउंट यानी 20 BUSD उसी समय जो है आपके अपलाइन के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। विद इन अ सेकंड वहां पे ट्रांसफर 100% अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही आपका सेकंड जो जगह है आपके स्ट्रक्चर में, ये जब भी कोई व्यक्ति आया, आपने स्पॉन्सर किया या आपकी अपलाइन के वहां से आया, इसका भी 100% अमाउंट है उसी समय आपकी अपलाइन के वहां पे उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब तीसरे नंबर का जो है पहले लेवल का जो तीसरी जगह आपकी यहाँ पे भरती है, ये जैसे यहाँ पे भरेगी आपकी ID ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी C3 में, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की या बाय करने की आवश्यकता नहीं है। यानी सिंपल अपने को इतना ही समझना है कि पहले 2 लोगों का 100% अमाउंट जा रहा है हमारे अपलाइन के पास में, और तीसरा व्यक्ति आते ही हम जो है जा रहे हैं C3 के मैट्रिक में। C3 जो है
इसी मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ में यहाँ पे ये रन करता है। तो ये पहला लेवल है जहाँ पे आपके तीन लोग हैं जिनमें से दो का पेमेंट आपके क्लाइंट के पास गया और तीसरे के पेमेंट से आप चले गए G3 में। अब नेक्स्ट लेवल की हम बात करते हैं। जैसे आपने पहले बंदे को स्पॉन्सर किया, ये पहला बंदा किसी को स्पॉन्सर करता है तो क्या होगा, आपके पहले बंदे का अमाउंट कहाँ गया, आपकी एफ में, तो इसका अमाउंट किसके पास आएगा, सीधा 100% उसी समय आपके अपलाइन की सॉरी आपके खुद के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा बंदा इस स्ट्रक्चर में जैसे आएगा उसका भी 100% उसी समय आपके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरा बंदा जैसे यहाँ पे आया, आपके तीसरा बंदा आती आप कहाँ गए, C3 में, उसी तरह ये व्यक्ति जो है आपने जिसको स्पॉन्सर किया था उसके तीन बंदे कंप्लीट होते ही ये भी कहाँ आएगा, आप ही के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आएगा C3 में। यानी ये अपनी अपलाइन को फॉलो करता हुआ C3 में जाएगा तो ये आप ही के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे ये बंदा जैसे आया इसका 100% भी उसी समय आपके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपने देखा होगा शुरुआत के तीन लोगों में हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन दोस्त इनडायरेक्ट रूप से जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं इस बंदे का भी 100% एक तरह से यहाँ पे आपको मिल गया, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पे हमें यहाँ पे मिलता है। अब इसी तरह जब ये दूसरा व्यक्ति दो लोगों को स्पॉन्सर करेगा, इन दोनों का 100% अमाउंट आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और तीसरा व्यक्ति आते ही ये व्यक्ति भी कहाँ आएगा, ये भी यहाँ से निकल के सीधा आपके यहाँ पे जो है आपके C3 में जो है यहाँ पे आएगा। और जैसे ही यहाँ आया इसका भी 100% उसी समय जो है आपके वॉलेट में ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह आगे का स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो तीसरे बंदे के नीचे जब ये तीन का स्ट्रक्चर बनेगा इनमें से इन दो का पेमेंट उसी समय आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा और जब ये तीसरा बंदा इसका कंप्लीट होगा तो ये भी यहाँ से निकल के कहाँ आपके स्ट्रक्चर में जाने वाला है और ये आपके यहाँ पे C3 की तीसरी जगह को यहाँ पे भरेगा। और जैसे ही यहाँ पे बंदा आया आते ही ये पूरा स्ट्रक्चर आपका जो है रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल को हम री इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। कई साथियों का सवाल रहता है इसका पेमेंट किसके पास में जाता है, तो दोस्त यहाँ पे आप अगर आते हो C3 में तो आप किसी न किसी के स्ट्रक्चर में आओगे, आपकी अपलाइन के स्ट्रक्चर में आओगे। तो आप अगर यहाँ आए तो इसका पेमेंट आपकी अप में गया जिस तरह आपके पास इन दो का पेमेंट आया था। जैसे ये तीसरा बंदा यहाँ पे आता है तो आपका रिसाइकिल यानी आपकी ये जो आईडी थी वापिस $20 से एक तरह से री इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जिसका पेमेंट आपको नहीं देना पड़ा। और जब आप आपकी अपलाइन के स्ट्रक्चर में वहां पे जाओगे वहां से इस स्ट्रक्चर से जिसका भी पेमेंट जाना होगा उस बंदे के उसी समय वो अमाउंट वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पहला स्लॉट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये सेम एज इट इज इसी तरह से चलेगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ये 3 और 9 12 लोग जो है इस स्ट्रक्चर में आते हैं। 12 लोगों में से 8 लोगों का पैसा 100% जो अमाउंट है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर उसी समय आपके पास आ जाता है और 5 जो लोग हैं 5 लोगों का जो है अमाउंट है वो आपके अपलाइन के पास में जाता है। तो 12 का स्ट्रक्चर में से 8 आपके पास आ रहे हैं, 5 आपके अप में जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होना है, कितना अमाउंट एक व्यक्ति को एक साइकिल पूरा होने पर मिलता है उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूं क्योंकि बाद में जो सवाल रहते हैं लगभग हर आदमी के कॉमन सवाल रहते हैं, तो यहाँ पे हम साथ साथ में उसको क्लियर करते चलें ताकि बाद में जो है किसी का सवाल ये रहे नहीं। क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि हमने जिन तीन लोगों को स्पॉन्सर किया है उनमें से अगर किसी ने नहीं किया तो क्या होगा। अब दोस्त यहां से हम वापस बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं ताकि एक सवाल हर व्यक्ति का यहाँ पे क्लियर हो जाए। आपने इन 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, जब ये पहला बंदा 3 लोगों को स्पॉन्सर करता है तो ये 2 लोगों का अमाउंट आपके पास आता है और ये व्यक्ति यहां से निकल के आपके यहाँ पे आ जाता है। अब मान लीजिए ये दूसरा बंदा है, इसने यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर नहीं किया और उसने कुछ नहीं किया, और ये तीसरा व्यक्ति जो है आपका ये 3 लोगों को स्ट्रक्चर जब पूरा करेगा कि 2 का अमाउंट आपके पास आ गया और ये जैसे कंप्लीट हुआ तो यहाँ दूसरे नंबर पे ये तो नहीं आया, लेकिन जैसे इसने 3 कंप्लीट किए ये व्यक्ति आपके यहाँ दूसरे यहाँ पे नंबर की जगह को आके यहाँ पे भर देगा। अब रहा दूसरा बंदा, आप जब भी किसी को स्पॉन्सर करेंगे 3 के बाद मान लो ये आपका स्ट्रक्चर नीचे का भरा हुआ है
और आप किसी स्रोत के व्यक्ति को यहाँ पे स्पॉन्सर करते हो तो ऑटोमेटिक कहाँ आएगा, ऑटोमेटिक वो यहीं पे आएगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर में उसको जगह खाली मिलेगी वहीं पे आके वो प्लेस होगा। और ये जैसे ही यहाँ पे बंदा आया, इसका 100% अमाउंट तो यहाँ पे आपको मिल गया। और ये जैसे ही तीन लोगों को स्पॉन्सर करता है, तीन लोगों को जैसे ही ये स्पॉन्सर करता है, तो ये कहाँ जाएगा निकल के, ये निकल के आएगा आपके C3 में। यानी ये तो दूसरा बंदा तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये व्यक्ति आया, आते ही उस समय आपका ये रिसाइकिल हो जाएगा। यानी तीसरा व्यक्ति यहाँ पे आपके जगह को आके भट्टी आपका जो है पूरा ये रिसाइकिल हो जाएगा। और इस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पे ये बंदा है ये यहीं रह गया, लेकिन इन दो लोगों का अमाउंट किसके पास जाएगा, इन दो लोगों का 100% जाएगा इसके पास। यानी दो लोगों का अमाउंट 20 USD से आया है, तो यहाँ इसके पास अमाउंट कितना गया, 40 USD। और इसने एंट्री कितने से ली थी, 20 USD से। तो यानी अपलाइन अगर काम कर रही है तो नीचे हर व्यक्ति को फायदा होगा और उसको भी यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे वो लेके निकलेगा। उसके बाद में अगर ये वर्किंग स्टार्ट करता है तो वापिस ही आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रन करने वाला है। आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन रहते हैं तो हम इस प्रेजेंटेशन के बाद में जो है हम इस पूरे इसको क्लियर कर लेंगे। आपके जो भी सवाल रहेंगे उसके जवाब हम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्त हमारे को यहाँ पे मिलता क्या है, अर्निंग कितनी होती है उसकी बात हम करते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया, आगे हम देखते हैं कि यहाँ से जो है अर्निंग जो है आपको कितनी हो रही है। इसमें हमने बात की स्लोट की, तो यहाँ पे टोटल जो है 9 स्लोट हैं दोस्त। पहले स्लोट में हम स्ट्रक्चर जो देखा वही दूसरे में रिपीट होता है, वही तीसरे में, और वही चौथे में आ गया, तो सेम स्ट्रक्चर काम करेगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास C9 और C3 से टोटल इनकम कितनी आती है उसकी हम बात करते हैं। पहले स्लोट में हमने देखा C9 से आपके पास 6 लोगों से 20 BUSD आया, यानी 120 BUSD आपको यहाँ से मिला। और C3 से आपके पास 2 लोगों से 20 BUSD आया, यानी 40 BUSD आपको यहाँ से मिला। तो यानी टोटल आपके पास जो है अमाउंट आया वो आया 160 BUSD आपके पास यहाँ पे आया। अब ये आपकी पूरी एक साइकिल की अर्निंग है। जब जब ये रिसाइकिल होगा, बार बार जब ये रिसाइकिल होगा, हर बार आपको जो है यहाँ से एक बार रिसाइकिल होने पे 160 BUSD की अर्निंग आपको होने वाली है। कंपेयर कर लीजिएगा किसी भी प्लान से, मात्र 20 BUSD से आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी, 20 BUSD से आपने एंट्री की थी, पहला साइकिल आपका कंप्लीट होता है, 160 BUSD आपको मिलता है, यानी 800% दोस्त, 8 गुना किसी भी मैट्रिक्स प्लान से आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। और इसी से आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट लोड की अगर हम बात करते हैं, और अगर इसी अमाउंट से कोई व्यक्ति अगर अपग्रेड करता हुआ अपने आप को आगे लेके जाता है, तब भी उसके पास कितनी जो है प्रॉफिट उसका कितना रहता है, अर्निंग उसके पास कितनी रहती है, उसको भी हम यहाँ पे बात, एक मिनट, तो इसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला जो स्लोट है ये है 80 BUSD से, जो आपको मैन्युअली अपग्रेड करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप जब भी चाहें उस समय आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, आपको करना या नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नहीं करने पे दो यहाँ पे आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि आपकी टीम से जो भी व्यक्ति आएगा वो जब भी अपने आप को अपग्रेड करेगा तो सबसे पहले वो वहां पे आपको ढूंढेगा, लेकिन अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है तो वो जो है आपको क्रॉस करता हुआ आपके अप में कहीं भी जा सकता है। तो अपनी टीम से पहले अपने आप को अपग्रेड करके रखें, ताकि आपकी टीम का जो भी वर्किंग है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल सके। तो यहाँ पे दोस्त अगर आप 80 BUSD से अगर दूसरे स्लोट का आपको अपग्रेड करते हैं, आपके पास आए कितने थे, 160 BUSD आपके पास आए थे यहाँ पे, और 160 BUSD में से आपने अगर 80 से आगे वाला स्लोट अपग्रेड भी कर लिया, 80 से अगर आपने आगे का स्लोट अपग्रेड किया है, तब भी यहाँ पे जो है आपके पास जो प्रॉफिट हम कह सकते हैं, अर्निंग कह सकते हैं, वो आपकी यहाँ पे 80 BUSD आपकी आपके पास प्रॉफिट रह गया। और ये सिर्फ आपको एक बार करना है, अगली बार जब ये रिसाइकिल होगा तो पूरा 160 BUSD यहाँ पे आप ही के पास रहना है, तीसरी बार होगा तो पूरा 160 रहना है, एक बार सिर्फ आपको आगे का स्लोट यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे करना है। अब दूसरे जो है स्लोट में
सेम एज इट इज वही स्ट्रक्चर चलेगा, 12 लोगों का स्ट्रक्चर चलेगा जिसमें 8 का अमाउंट आपके पास आना है और 5 का आपकी अपलाइन के पास में जाना है। यहाँ से आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 6 लोगों से आपके पास C3 से 80 BUSD आएंगे, यानी 480 आपके पास आएंगे जो है C9 से, और C3 से यहाँ पे आपके पास आएंगे जो है 160 BUSD, और टोटल आपके पास यहाँ पे आएंगे 640 BUSD। पहले दूसरे स्लॉट में आपकी सिंगल साइकिल की इनकम है 640 BUSD, और तीसरा स्लॉट आप अगर अपग्रेड करते हैं तो तीसरा स्लॉट जो है 320 से इसको अगर आप अपग्रेड भी कर लेते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है दोस्त वो बचता है 320 BUSD आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट के तौर पे अगले स्लॉट में यहाँ पे आपके पास बच जाते हैं। बात करें तीसरे स्लॉट की तो यहाँ पे आपके पास 6 लोगों से 320 और C3 में 2 लोगों से 320 आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा 1920 BUSD आपके पास आएंगे C9 से, और C3 से आपके पास आएंगे 640 BUSD। टोटल आपके पास जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट आएगा 2580 BUSD का, और अगर आप 1280 से अगला स्लॉट अपग्रेड भी करते हैं तब भी आपके पास जो प्रॉफिट बचता है दोस्त वो बचता है 1280 BUSD, और 1280 का आप जो है INR में कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना अमाउंट यहाँ पे जो है होता है। अब बात करें अगर चौथे स्लॉट की, चौथे स्लॉट में आपने जो है 1280 से आपने अपग्रेड कर रखा है, 6 लोगों से आपके पास C9 से और 2 लोगों से आपके पास C3 से अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपके पास आएगा C9 से आपके पास आएगा 7680 प्लस C3 से यहाँ पे आपके पास आएगा 2560 BUSD। टोटल आपके पास जो अमाउंट यहाँ पे आएगा ये आएगा 10240 BUSD, और अगर आप अगला स्लॉट अपग्रेड करते हैं तब भी आपके पास 5120 BUSD आपके पास यहाँ पे चौथे स्लॉट में आपकी अर्निंग होती है, चौथे स्लॉट पे यहाँ पे आपका प्रॉफिट रहता है। और ये अपग्रेड आपको सिर्फ एक बार करना है, जब ये रिसाइकिल होंगे तो बार बार ये पूरी अर्निंग जो है आपकी पूरा का पूरा अमाउंट आपके पास यहाँ पे आने वाला है। पांचवें स्लॉट की अगर हम बात करें, आपने 5120 से यहाँ पे अपग्रेड किया, C9 से यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा दोस्त 30720 BUSD, और C3 से यहाँ पे आपके पास आएगा 10240 BUSD, और टोटल आपके पास जो है पांचवें स्लॉट की जो आपकी अर्निंग होगी वो होगी 40960 BUSD। और अगर आप छठा स्लॉट अपग्रेड भी कर लेते हैं तो ये अपग्रेडेशन होगा दोस्त 15360 से। यहाँ से आप देख रहे हैं आधा आप अपग्रेडेशन में दे रहे हैं और आधा आपके पास प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन पांचवें स्लॉट के बाद जो है यहाँ पे आपके जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेडेशन की कॉस्ट जो है यहाँ पे कम हो गई है, और ये अपग्रेड करने के बाद भी आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट बचेगा ये बचेगा 25600 BUSD छठे पांचवें स्लॉट में। और बात करें अगर छठे स्लॉट की, 25600 से आपने अपग्रेड किया है तो यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा C9 से ये आएगा 92160, और C3 से आपके पास जो अमाउंट आने वाला है ये आएगा 30720, और टोटल आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,22,880। INR में इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इनटू आप मल्टीप्लाई कर लें इसको 75 से, और यहाँ पे आप अगर 7वां स्लॉट अपग्रेड भी कर लेते हैं तब भी आपके पास बचता है 76800 BUSD। और अगर इन 6 स्लॉट की दोस्त हम बात करें, अगर खाली इन 6 स्लॉट की अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेके 6 स्लॉट तक आपके पास जो टोटल अमाउंट आता है वो सिंगल साइकिल में $1,00,000 से ज्यादा है, लेकिन जब आप छठे स्लॉट तक पहुंचेंगे आपको आप कुछ करें या नहीं करें लेकिन आपका पहला स्लॉट 50 बार रिसाइकिल हो चुका होगा, ये आपका दूसरा स्लॉट 40 बार रिसाइकिल हो चुका होगा, क्योंकि शुरुआत एंट्री हर व्यक्ति की पहले स्लॉट से होनी है। तो जब आप आगे पहुंचेंगे तो पीछे के स्लॉट आपके अपग्रेड जो है बार बार रिसाइकिल होते जाएंगे, तो ये अमाउंट कई गुना बढ़ जाता है। अगर INR में हमें इसकी बात करूं, INR में दोस्त अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे छठे स्लॉट तक आप पहुंचते हैं तब तक आपकी इनकम INR में 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक हो सकती है।
जो एक बहुत बड़ा अमाउंट, वो शानदार इनकम है। और कई साथी ऐसी तैयारी करके यहाँ पे बैठे हैं कि आने जैसे ये प्लान लॉन्च होगा, उन्होंने तैयारी इतनी बड़ी कर रखी है कि कुछ ही दिनों में 30 करोड़ तक वो यहाँ पे क्लियर करके और जो है एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और ये जो है आज तक जो सोचा था जो नहीं हो पाया वो काम वो यहाँ पे करके दिखाएंगे और हम सब इस चीज के गवाह बनने जा रहे हैं। अब बात करें 36 करोड़ तक हमने बात की, इसके आगे हम जो है 7वें करोड़ की हम बात करते हैं। 7वें करोड़ में जो है आपके पास टोटल जो अमाउंट आता है, 7वें करोड़ में आपके पास C9 से आपके पास जो है जो अमाउंट आएगा ये आएगा 276,480। और C3 से आपके पास जो अमाउंट आएगा, जो टोटल जो आपके पास जो USD आने वाले हैं वो जो है आपके पास आएंगे 92,180। और टोटल आपके पास यहाँ पे अमाउंट जो आता है वो आता है 368,240। 8वां स्लॉट आप अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे आपके पास C9 और C3 दोनों से मिला के जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट दोस्त आता है 11,05,920। और 9वें स्लॉट की हम बात करते हैं C9 और C3 से टोटल जो आपके पास अमाउंट आता है, इसके बाद में कोई अपग्रेडेशन नहीं की, टोटल स्लॉट नो ही है, यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 22,11,840। और अगर हम पहले से लेके 9वें स्लॉट तक अगर हम इस अमाउंट को अगर देखते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है अपग्रेड करते हुए, जो हमारे पास आया उसी से हम अपग्रेड करते हुए आगे जा रहे हैं, तब भी आपकी अर्निंग जो होती है दोस्त वो होती है 33,80,880 BUSD। और अगर INR में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट बनता है दोस्त 25 करोड़। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, सोचते हैं तब भी टेंशन होती है कि यार इतना बड़ा अमाउंट क्या पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ समय में कई लोगों ने बहुत बड़े जो है अर्निंग की है, लेकिन यहाँ पे जो आज तक जो मैट्रिक थे उन मैट्रिक से 10 गुना ज्यादा इनकम है, तो यहाँ जो है ये बहुत जल्दी पॉसिबल होता हुआ दिखेगा और लोग यहाँ से अमाउंट यहाँ जो है यहाँ पे ये अर्निंग करके रिकॉर्ड बनाते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अभी तक हमने जो बात की वो बात की सेल्फ मैट्रिक्स की, जो काम करता है आपकी खुद की वर्किंग से, आपकी अपलाइन की वर्किंग से, आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से, सभी से, पूरी टीम से जो है ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे रन करता है। इसीलिए जो है बहुत फास्ट यहाँ पे इनकम आती है, क्योंकि 100% जो है अमाउंट उसी समय जो है जिस बंदे के पास जाना होता है वहां पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं इस मैट्रिक के दूसरे पार्ट की, वो है दोस्त ग्लोबल मैट्रिक। और ये है एक कम्युनिटी रिवॉर्ड है दोस्त, कोई नॉन वर्किंग इसको हम नहीं कह सकते, ये रिवॉर्ड्स है जो लोग काम करेंगे इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, इस उनको यहाँ पे जो है एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, एक एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक जो है ये चलेगा टोटल जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है लोग यहाँ पे आएंगे उनसे जो है ये मैट्रिक्स यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ से आपकी टीम से आपका कोई मतलब नहीं है, ये 1x1 सीक्वेंस के साथ में आगे बढ़ेगा। तो ये कैसे रन करेगा और तो कैसे यहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। इस मैट्रिक्स के भी दो मैट्रिक्स हैं, एक है G3 और एक है G9। दो मैट्रिक्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको 1 टाइम एक बार 40 BUSD से आपको जो है एंट्री यहाँ पे आपको लेनी होगी 1 टाइम। उसके बाद आपको कोई स्लॉट अपग्रेड यहाँ पे नहीं करना है किसी भी तरह का, यहाँ पे आगे के जो भी स्लॉट हैं वो सारे के सारे ऑटो अपग्रेडेड हैं, जिसमें आपको मैन्युअली खुद को बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त कोई भी व्यक्ति सिर्फ एंट्री लेके ग्लोबल मैट्रिक्स में नहीं आ सकता, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपकी वर्किंग से सेल्फ मैट्रिक्स C9 से। ये जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ये जो है यहाँ पे
इसके पांच फ्लोर हैं। पहला फ्लोर जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे अनलॉक रहेगा, लॉक रहेगा सॉरी। और जब जैसे ही आप सी नाइन में आप जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में ये पहले लेवल के तीन लोग यहाँ पे कंप्लीट होंगे, पहला दूसरा तीसरा, जैसे ही सी नाइन में आपके तीन लोग यहाँ पे आएंगे कंप्लीट होंगे उसी समय ये अनलॉक हो जाएगा। और उस समय आप जो है 40 यूएसडी से इस मैट्रिक्स में आप एंट्री ले सकते हैं। एक बार एंट्री लेनी है, उसके बाद में आगे के जितने भी जो है स्लॉट फोटो अपग्रेड यहाँ पे रहने वाले हैं। अब एक काम कैसे करता है उसके हम बात करते हैं। जी थ्री में तीन लोगों का मैट्रिक्स ये आप हैं, और हर व्यक्ति जो 40 यूएसडी से यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, कोई भी कहीं से भी आपके पहले नंबर पे यहाँ आके इस जगह को भरेगा तो यहाँ पे आपको जो है 100% उसी समय आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप 40 यूएसडी से आपने एंट्री ली थी, पहला व्यक्ति आते ही आपके पास पूरे 40 यूएसडी यहाँ पे आपके पास वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति आपके स्ट्रक्चर में आएगा उसका 40 यूएसडी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड पे रहेगा। कब तक होल्ड पे रहेगा? जब तक ये तीसरा व्यक्ति नहीं आता। जैसे ये तीसरा व्यक्ति आपकी इस स्ट्रक्चर में आके भरता है तो 40 प्लस इस व्यक्ति के 40 80 बीयूएसडी से आप ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएंगे जी नाइन में। यानी यहाँ पे आपको कुछ बाय करने की या कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का 100% आपके पास आ गया और दो लोगों के अमाउंट से आप जो है यहाँ पे जी नाइन में ऑटोमेटिक वहां पे आप यहाँ पे अपग्रेड हो गए। तो इसी तरह ये सिस्टम चलेगा, हर तीन व्यक्ति से एक व्यक्ति जी नाइन में जाएगा और जी नाइन का जो स्ट्रक्चर है वो है 9 लोगों का। जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ से निकल के आया, आपकी पहली जगह को उसने भरा, पहले प्लेस पे आकर लगा, इसका जो है ये पहला स्लॉट है। सेकंड जो स्लॉट रहेगा उस स्लॉट के लिए जो है ये होल्ड पे रहेगा आपके अपग्रेडेशन के लिए। जैसे ये दूसरा व्यक्ति आया कहीं से भी आया, इसका 100% यानी 80 यूएसडी उसी समय आपके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तीसरा व्यक्ति जो आएगा वो आपके अपग्रेडेशन के लिए रहेगा। चौथा व्यक्ति जैसे ही इस स्ट्रक्चर में आएगा उसका 100% यहाँ पे आपके जो है वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। पांचवा व्यक्ति जब यहाँ पे आएगा उसका ये आपके अपग्रेडेशन के लिए होल्ड पे रहेगा। छठा व्यक्ति जब आएगा उसका 100% आपके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सातवां व्यक्ति जब आएगा ये आपके होल्ड के लिए है अपग्रेड के लिए, और जैसे ही आठवां व्यक्ति आया उसका 100% आपके पास आ गया। यानी 8 लोगों में से 4 का पेमेंट यहाँ पे आपके पास आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है, और जो 4 लोग हैं ये होल्ड पे हैं। जैसे ये आखिरी व्यक्ति इस जगह को आकर भरेगा 9वां व्यक्ति, वैसे ही आपका ऑटोमेटिक जो है आपका नेक्स्ट फ्लोर यानी 80 एक व्यक्ति का यानी 5 लोगों का अमाउंट है यानी 400 बीयूएसडी से आपका अगला फ्लोर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले फ्लोर से हमारे पास क्या आया। तो यहाँ से जी थ्री से आपके पास एक व्यक्ति से 40 बीयूएसडी आए, और यहाँ पे 4 व्यक्तियों से आपके पास 80 बीयूएसडी आए। टोटल आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट आता है ये अमाउंट यहाँ पे आपके पास आता है 320 प्लस इन दोनों को मिलाने पे 360 बीयूएसडी आपके पास यहाँ पे आते हैं। पहला स्लॉट कंप्लीट होता है उस समय। अब इसमें आगे 5 स्लॉट हैं, एज इट इज सेम इसी तरह चल रहा है, अपग्रेड होता रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन हमने बात की कि ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जो आप काम सी नाइन जो है नाइन में कर रहे हैं उसी का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे चलेगा उसकी हम बात करें। पहले स्लॉट में आपके पास जी थ्री से जो है यहाँ पे जो अमाउंट आया टोटल मिला के आपके पास पहले स्लॉट में आया 360 बीयूएसडी, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री ली थी 40 बीयूएसडी से, आपने मैनुअली एंट्री ली थी, लेकिन ये आपका अनलॉक कब हुआ? जब आपने सी नाइन में पहले तीन लोग यानी पहला लेवल आपका वहां पे पूरा हुआ उस समय अनलॉक हुआ, और जब ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे आपके पास 360 बीयूएसडी आए, और सेकंड स्लॉट आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया 400 बीयूएसडी से। लेकिन ये भी लॉक है, ये अनलॉक कब होगा? जब आप सी नाइन में जो है आप अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेंगे उस समय ये अनलॉक हो जाएगा, और यहाँ पे
एक व्यक्ति से आपके पास 400 बीयूएसडी और चार लोगों से आपके पास 800 बीयूएसडी आएंगे, यानी टोटल आपके पास अमाउंट आएगा 3600 बीयूएसडी का। और आपका तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका है 4000 बीयूएसडी से। लेकिन ये लॉक है, अनलॉक कब होगा, जब आप C9 का चौथा स्लॉट वहां पे अपग्रेड करेंगे उस समय यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपके पास G3 से एक व्यक्ति से 4000 बीयूएसडी और G9 से आपके पास चार लोगों से 8000 बीयूएसडी आएंगे, यानी टोटल आपके पास यहाँ से अमाउंट आएगा जो आएगा 36000 बीयूएसडी। चौथा स्लॉट आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका है 40000 बीयूएसडी से। लेकिन ये अनलॉक कब हो रहा है, जब आप C9 में छठा स्लॉट आपका जो है यहाँ पे अपग्रेड हो गया है उस समय ये अनलॉक होगा। यहाँ पे आपके पास एक व्यक्ति से 40000 बीयूएसडी और चार लोगों से आपके पास 80000 बीयूएसडी आएंगे, यानी टोटल यहाँ से आपके पास जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आता है 360000 बीयूएसडी। आखिरी स्लॉट है दोस्त पांचवा, 4,00,000 से आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड यहाँ पे हो चुका है। लेकिन ये अनलॉक कब होगा, जब C9 में आपका आठवां स्लॉट आप अपग्रेड कर लेंगे उसी समय ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति से आपके पास G3 से 4,00,000 बीयूएसडी आने हैं और G9 से आपके पास कितने आएंगे, पांचवा के बाद में कोई स्लॉट नहीं है तो वहां पे कोई भी व्यक्ति होल्ड पे नहीं जाएगा। और वहां पे टोटल जो 9 लोग हैं उन सभी 9 लोगों से आपके पास 8,00,000 बीयूएसडी आएंगे, यानी टोटल यहाँ से जो आपके पास आएगा आखिरी स्लॉट से वो आएगा 76,00,000 बीयूएसडी। और अगर हम इसको टोटल करें तो ये होता है लगभग 80,00,000 बीयूएसडी। और INR में अगर हम इसकी बात करें तो लगभग होता है 60 crore, 60 crore। और लेकिन ये सेल कहाँ रहा है, आपने जो वर्किंग सेल्फ मैट्रिक्स में की उसी से ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे जो है रन कर रहा है, चल रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस जो है बेस पे ये चलेगा, जो पहले आएगा वो पहले लेता हुआ आगे चलेगा। यहाँ पे आप कोई रिसाइकिल नहीं है, आप ये लेके आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे से जो लोग आएंगे वो उसी तरह उस क्रम में आगे यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। इन दोनों स्लॉट की अगर हम बात करें ग्लोबल मैट्रिक्स और सेल्फ मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे 80,00,000 बीयूएसडी जो है आपके पास जो है टोटल यहाँ पे जो आते हैं, हमने देखा ग्लोबल मैट्रिक्स से, सेल्फ मैट्रिक्स से जो है आपके पास अमाउंट आया 33,00,000 बीयूएसडी, और ग्लोबल जो है उससे आपके पास आया लगभग 80,00,000 बीयूएसडी। टोटल ये अमाउंट बनता है 1,13,00,000 बीयूएसडी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट दोस्त यहाँ पे जो है। अगर हम सोचें हो सकता है हमारा दिमाग इसको जो है मानने को तैयार नहीं हो कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ सकता है, लेकिन आपने अगर इस प्लान को पूरा अगर गहराई से समझा होगा देखा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम आज निर्णय लेते हैं समझ के इसको आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हर व्यक्ति ये काम यहाँ पे कर सकता है। एक व्यक्ति खाली 40 बीयूएसडी स्टार्ट करके अपने आप को अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति भी आगे से आगे जो है चल के और जो है अपने सभी स्लॉट्स की इनकम ले सकता है। और जब ये रिसाइकिल होगा दोस्त तो कई गुना ये इनकम बढ़ के आने वाली है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है उस पर हमने बात की, और उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपसे कोई सवाल है कुछ भी तो आप यहाँ पे जो है सवाल आप कर सकते हैं, वन बाय वन आप हैंड रेज करके और अपना सवाल रखें। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपके जो है जो भी क्वेश्चन है उनके मैं यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे दे सकूं। आप में से जो भी व्यक्ति कोई भी अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो या किसी भी तरह का जो है कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम इसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं।
किसी का कोई सवाल नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सारी चीजें सभी के है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है शायद। हाँ एचआर मीणा जी, हेलो मिस्टर एचआर मीणा, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। एचआर मीणा हाँ जी बोलिए। आप लाइन पे हैं? शायद कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है उनकी तरफ से। और किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो हैंड रेज करके बताएंगे प्लीज। किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन नहीं है, इट्स वेरी गुड। किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो मिस्टर आर के बढ़ाना, हाँ आर के बढ़ाना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका कोई सवाल हो तो आप पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन। जी फतेह सिंह जी, ये लॉन्च कब हो रही है, कब आईडी लगना शुरू होगी तो बताया नहीं सर ने। हेलो बढ़ाना साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया। मैंने कहा आईडी लगना कब से शुरू होगी नहीं बताया सर आपने, पूरा प्लान तो बता दिया सर। अभी जो है अगले एक दो दिन में जो भी क्रिएटर हैं इसके वो आज हमारे साथ होंगे जूम पे लाइव। और जहां तक अभी तक हम न्यूज है कि लगभग 30 तारीख के आसपास जो है इसके लॉन्चिंग का जो है डेट है। जब भी लॉन्च होगा उससे दो दिन तीन दिन पहले टाइमर चल जाएगा, साइट आ जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि दो दिन बाद या इतने घंटे के बाद ये लॉन्च हो रहा है। और अगले दो तीन दिन में जो इसके क्रिएटर हैं वो आज हमारे साथ होंगे, तो वहां पे आपको जो है एग्जैक्ट जो है क्या चल रहा है, कितना समय लगेगा, कब लॉन्च हो रहा है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले, वहां पे भी आपके पास जो है अपडेट आ जाएगा। प्लस आप वेबिनार में बने रहें तो अगले एक दो दिन में जो है आपको जो है गुड न्यूज मिलने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडमी नोट प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो के ना। हाँ जी हेलो, हाँ जी बोलिए, आपका नाम जान सकते हैं प्लीज? सुभाष जी नाम है मेरा। हाँ सुभाष जी, हाँ मैं बोल रहा था कि सर जब पहले स्लोट में तीन लोग लगा के उसके बाद में मैंने पहला और दूसरा स्लोट है, दूसरा स्लोट को भी मैंने अपग्रेड कर लिया, लेकिन तीन लोगों ने काम नहीं किया तो मुझे कुछ मिलेगा क्या? सर आप नेक्स्ट स्लोट के बारे में बात कर रहे हैं या? पहला स्लोट मैंने तीन आदमी जोड़ दिए, उसके बाद में 40 से अपग्रेड कर लिया, उसके बाद में मैंने सेकंड को भी मैंने 80 से अपग्रेड कर लिया C9 वाला जी, उसके बाद में मैंने नीचे, लेकिन तीन लोगों ने कुछ काम नहीं किया तो मेरी कुछ आएगी क्या इनकम? सर आपकी इनकम, आपने अगला स्लोट अपग्रेड किया है तो आपकी टीम से जो भी लोग अपग्रेड करेंगे वही आपके नेक्स्ट स्लोट में आएंगे। अगर वो नहीं करेंगे, नीचे नहीं आए तीन लोगों के नीचे कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा तो सर नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि अगर जी स्लोट आपने G3 में अगर आपने 40 से अपडेट कर लिया है अनलॉक होने के बाद में तीन होने के बाद, तो जो वो ग्लोबल इनकम है वो आपको कंटिन्यू, हाँ वो तो मिलेगी ना ग्लोबल मैट्रिक्स में मिलेगी सर। आपने अगर वहाँ पे एंट्री ले ली है तो आपको ग्लोबल मैट्रिक्स में जो आपका क्लियर होगा स्लोट तो उसकी इनकम आपको वहाँ पे मिलेगी, लेकिन C9 जो है पूरा वर्किंग पे। जी जी हाँ हाँ, वो भाई वो तो कम से कम नॉन वर्किंग है, वो तो आनी चाहिए ना, ग्लोबली है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अगर आप वहाँ पे एंट्री ले ली है तो पहले स्लोट में आपने एंट्री ले रखी है तो जब भी आपका क्लियर होगा तो 360 पहले स्लोट से आपके पास वहीं पे आने ही आने हैं। और अगर आपने नेक्स्ट स्लोट दूसरा स्लोट भी अपग्रेड कर रखा है आगे खुद का तो वहाँ पे आपका ग्लोबल में दूसरा स्लोट भी जो है अनलॉक रहेगा, उसकी भी इनकम आपको वहाँ से आने वाली है। अच्छा हाँ, बस सर यही पूछना था। ओके सर,
देवेंद्र नामदेव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। देवेंद्र नामदेव जी, हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, हेलो देवेंद्र नामदेव कि सर अभी मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मेरे को इस जूम मीटिंग में बुलाया था, उन्होंने बताया था कि आप करीब करीब 1800 रुपए दे दीजिए तो आपकी अभी आईडी लग जाएगी। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो मैं ये चाह रहा था सर, मैं वजीर एक्स में काम कर रहा हूँ, फाइनेंस में भी उपयोग करता हूँ, और तो मैं ये चाह रहा था मैं अपने लोगों की आईडी अगर अपग्रेड खुद कर दूं या खुद लगा दूं तो ऐसा है क्या इसमें कि अपने अपलाइन को पैसे पहुंचाना ही पड़ेगा? सर आप जब भी रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास लिंक आएगा, लॉन्च होगा, उस समय आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट जो भी आपने जो है डाउनलोड किया है वहां पे आप जो है आपको 20 BUSD प्लस आपको BNB रखना है ट्रांजेक्शन फीस के लिए। और जब भी आपके पास लिंक आएगा उस समय आप वहां पे आईडी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी टीम की वहां पे नहीं लगा सकते सर, क्योंकि आपके मोबाइल में आपने जो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया है उससे आपकी आईडी ही लगेगी। बाकी जिसकी आईडी लगानी है उसके मोबाइल में आप जो है ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट डाउनलोड करा के उसी के वॉलेट जो है मोबाइल से आप उनकी आईडी लगाएं। अच्छा तो ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू। किशोर सिंधे जी, मैंने अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था ये ग्लोबल में और ये जो मैन्युअली है जी, उसमें एक ही टाइम पे एंट्री ले सकते हैं या अलग अलग एंट्री लेना पड़ता? सर अगर आप जैसे ही आप एंट्री लेते हो, हम यहाँ पे रिकमेंड यही करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए जैसे ही एंट्री लोगे तो आपका C9 में आपकी एंट्री होगी। वहां पे आप पहला काम ये करें, आपके साथ ही आप अपने 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दें। जिस समय आप एंट्री ले रहे हैं उसी समय आपके 3 लोगों को आप जो है यहाँ पे स्पॉन्सर कर दें। जैसे ये आप करेंगे तो ग्लोबल जो मैट्रिक्स है उसमें आपका जो है अनलॉक हो जाएगा और वहां पे आप जो है 40 BUSD डाल के और आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। और हर व्यक्ति को हम यही सलाह देते हैं कि जैसे ही आप आए आपने साथ अपने 3 व्यक्तियों को स्पॉन्सर करें और उसी समय आप ग्लोबल मैट्रिक्स में एंट्री ले लें। क्योंकि अनलॉक, हाँ अनलॉक तभी होगा जब आपका पहले लेवल के 3 लोग होंगे, तभी आप यहाँ पे 40 BUSD से एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, तो पहले मेरे को 3 लोग को लेके आना होगा फिर उसके में एंट्री मारना जी। हाँ तो आप अपने साथ ही 3 लोगों को तैयार रखें, अभी जो अपने पास टाइम है, इसीलिए ही हम प्रमोशन पे इस पे काम कर रहे हैं कि जब भी ये लॉन्च हो अगले 5 दिन में 7 दिन में तब तक आप अपने लोगों को बताएं, इनवाइट करें यहाँ पे जूम वेबिनार पे लेके आए, ताकि जिस दिन लॉन्च हो उस दिन आपके पास 10, 20, 15, 25 जो भी है वो लोग आपकी टीम के तैयार रहे, ताकि डे फर्स्ट ही जो है आपकी शुरुआत एक अच्छी हो सके और आप जो है ग्लोबल में भी एंट्री ले सके और एक शानदार शुरुआत कर सके। सर और एक क्वेश्चन था मेरे को। जी सर बताएं। ये जब ये अभी INR USD में कन्वर्ट हो रहा है तो USD से INR में कन्वर्ट करने का कैसा करेंगे, आपने कुछ उसके लिए सोचा है? बहुत आसान तरीका है सर। आपको जो यहाँ से अर्निंग होगी उसको INR में कैसे लेना है, यही आपका सवाल है। तो यहाँ इसके लिए सर अपने यहाँ इंडिया में कुछ एक्सचेंजेज हैं, जैसे एक तो है वजीरेस, एक है जेपे, यूनो कॉइन है, तो इस तरह के एक्सचेंजेज हैं। वहां पे आपको अपना वॉलेट बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ वो डाउनलोड करके, और तो आपको वहां पे KYC करवानी होती है। आप वहाँ पे KYC करा लेंगे तो यहाँ पे आपके मान लो ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड किया है और ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास जो भी BUSD आया है, इस BUSD को आप जो है आपके जो भी आपका वॉलेट है वजीरेस या जेब पे वहां पे ट्रांसफर कर ले, और वहां पे जाके जब आप इसको सेल करेंगे तो जो भी अमाउंट बनेगा वो आप जब विड्रॉल लगाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट जो आपने वहां पे दे रखा है उसमें वो आपके पास INR में आपके पास आ जाएगा। ये सब ये जो टेबल आप बता रहे हैं ये सब अपने को ये ट्रस्ट वॉलेट में दिखेगा कि मेरे नीचे ये लोग आए हैं ये सब? क्योंकि ये सर ये सर आपको पूरी की पूरी डिटेल आपकी आईडी में जब आप लॉग इन करेंगे वहां पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, और ये आप अपनी आईडी में आपके ट्रस्ट वॉलेट से लॉग इन कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आपकी आईडी में लॉग इन करेंगे वहां पे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा कि आपके पहले स्लॉट में आपके टोटल स्पॉन्सर कितने हैं, आपके पहले स्लॉट कितनी बार रिसाइकिल हो चुका है, दूसरा स्लॉट आपका अपग्रेड है या नहीं,
अगर नहीं है तो स्लोट पे आपका मान लो दूसरा स्लोट है वहां पे जो है बाय का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप जैसे बाय करेंगे तो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट से जो मान लो 80 BUSD है वहां से जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और ये आपका बाय हो जाएगा। तो पूरी डिटेल आपको जब आप आपकी आईडी में लॉग इन करेंगे वहां पे आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। सर और इसमें कि ये ट्रस्ट वॉलेट मैंने डाउनलोड किया है तो उसमें मिनिमम $50 का अधिकार है, $50 ही आप कर सकते हैं। आप तो बोल रहे $20 से एंट्री लेना है लेकिन ये ट्रस्ट वॉलेट $50 मांगता है मिनिमम एंट्री। नहीं नहीं सर, आप आराम $20 $25 आप जो है वहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वहाँ BUSD और BNB आपको लेने होंगे, ठीक है। तो आप वजीरे है ना, आप वजीरे से जो है आप 20 BUSD और लगभग $5 के BNB या आप वजीरे से ले लें या जो भी ऐप है वहां से लेके और आप जो अपने ट्रस्ट वॉलेट में वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बाय ट्रस्ट वॉलेट से नहीं करें, जहां से भी आप बाय करें वहां से लेके और आपके जो है ट्रस्ट वॉलेट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ISN मूर्ति जी आपका कोई क्वेश्चन है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। ISN मूर्ति जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक्सीलेंट एक्सप्लेंट, इट्स ए वेरी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, बट आई हैव सम स्मॉल डाउट ना सर, ये कि अभी एक आईडी डालने के लिए एक ही स्मार्टफोन की एक ही नंबर के एक आईडी मिलेगा और क्या है सर मल्टीपल आईडी? सर ट्रस्ट वॉलेट में जब आप अपना जब ट्रस्ट वॉलेट आप बनाएंगे तो वहां पे आपको जो है मल्टीपल जो है वॉलेट बनाने का ऑप्शन आता है। ट्रस्ट वॉलेट तो ट्रस्ट वॉलेट जो है उसमें आपने वॉलेट अपना क्रिएट किया तो एक एड्रेस से आप एक आईडी लगा सकते हैं वहां। अगर आपको मल्टीपल लगानी है तो वहां पे आपको जब ट्रस्ट वॉलेट के सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलेट का, तो मल्टीपल वॉलेट का, तो वहां पे आप जो है एक ट्रस्ट वॉलेट में देयर इज नो लिमिट फॉर एनीबॉडी, आपकी मर्जी से वी कैन टेक एनी ना। एक ट्रस्ट वॉलेट में सर आप 15 वॉलेट बना सकते हैं। ओके ओके, मल्टीपल वॉलेट है, 15 वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं एक ट्रस्ट वॉलेट में। So, ये फोन में we can do multiple entries also. So, company, is there any restrictions for that, sir? It depend on you, sir. Okay, 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 okay. Depend on. Thank you, sir. Okay. HR Meena ji, मैं आपको unmute कर रहा हूँ, आपका कोई question है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर, जैसे अपन C9 में 3 व्यक्ति लगा देते हैं ना, हाँ, यानी $20 से जैसे 3 व्यक्तियों को अपन ने अपने साथ ले लिया, जी, तो 2 का पैसा तो अपलाइन को चला जाएगा, हाँ, और तीसरे से अपन को C3 में अपडेट हो जाएगा, जी, लेकिन उसके बाद में रिसाइकल होगा तो फिर सेकंड बार में जो लोग आएंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? एक बार वापिस बोले सर। जैसे अपन ने C9 में 2 व्यक्ति लगाए थे, दोनों का पैसा ऊपर गया, $20 अपलाइन को गए। एक मिनट है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? हाँ। आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, इन दोनों लोगों का अमाउंट गया आपके अपलाइन के पास, ठीक है। तीसरा आपने जो व्यक्ति यहाँ पे लगाया, इससे आप आगे C3 में, ठीक है। अब आगे बताएं सर। अब इसके बाद में जैसे जैसे यहाँ लोग कंप्लीट होते जाएंगे तो G3 में 3 लोग हो जाएंगे। बस अब मान लीजिए यहाँ पे ये तीनों लोगों के आपके 3-3 कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ, तो ये तीनों लोग आपके C3 में आएंगे। ये पहला व्यक्ति आया, इसका 100% आपके पास आ गया। दूसरा व्यक्ति आया, इसका 100% आपके पास आ गया।
और जैसे ये तीसरा व्यक्ति आएगा ये रिसाइकिल हो जाएगा, यानी आपका पूरा स्ट्रक्चर वापस से खाली हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ये रिसाइकल हुआ ना, अब वापस में जब दोबारा से भरेगा ना C9 में जी, तो ये जो तीसरे नंबर का व्यक्ति से जो अपग्रेड हुआ ना जी, अपग्रेड तो हो ही गया, अब इसका पैसा वापस आ जाएगा सेकंड बार में। सेकंड बार में ये कैसे भरेगा? हाँ सर, उसी तरह जिस तरह पहली बार में भरा आपका, ये पूरा खाली हो है ना, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर खाली हो चुका है। Yes. अब आप किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, आपकी अप्लाई Yes. नगर कर रही है तो वो यहाँ आ सकता है। प्लस Yes. आपके जो पहले जो 12 लोग थे ठीक Yes. है, जिससे आप रिसाइकिल हुए, इन 12 लोगों में से कोई भी व्यक्ति रिसाइकिल होके आएगा तो वो आपके इसी स्ट्रक्चर में आएगा। तो Okay. यहाँ पे आप जो नए बंदों को स्पॉन्सर करेंगे वो यहीं पे आ रहे हैं, आपकी अपलाइन से यहीं के आ सकते हैं, और आपका जो पुराने जो लोग हैं आपकी टीम के, वो जो रिसाइकिल होके आ रहे हैं वो भी आपके इसी स्ट्रक्चर में आएंगे। और जैसे ये 12 होंगे ये फिर रिसाइकिल हो जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। अच्छा 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 जी, चलो थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। और कोई? और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें। आईएसएन मूर्ति साहब अगेन, मूर्ति साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पुट अप योर क्वेश्चन। सर एक्चुअली सेल्फ मैट्रिक्स है, गोल ग्लोबल मैट्रिक्स है ना, सो सेल्फ मैट्रिक्स में हमारा पूरा 3-9 मैट्रिक्स हमारा अपलाइन की स्पॉन्सर्स के तरफ से, हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स की तरफ से एंड हमारे नीचे के तरफ से करेगा ना, सो नो क्रॉसिंग लाइन्स इस नहीं भरेगा ना। सॉरी सर, एक बार वापस बोलो सर एक बार। हमारा सेल्फ मैट्रिक्स है ना 3, 9, 27, 81, ये मैट्रिक्स भरना है ना, सो हम मेरा 3 करेगा एंड 3 से 9 भी करेगा। So, you see, they are doing, which will going on. But upline also, suppose they are also sponsoring more than 3. Suppose 4 people, 5 people, 6 people, 7, 10 people, they are sponsoring. वो सभी लोग आपके उसी मैट्रिक्स में आने हैं सर। अगर आपके अपलाइन से जो स्पॉन्सर हो रहे हैं तीसरे के बाद में, तो आपका जो मैट्रिक्स है उसी में वो आएंगे वहाँ पे। जहाँ सेल्फ मैट्रिक्स, so whatever the self matrix, so our total sponsor people, everything will be in our genealogy only, na? एक मिनट सर, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, ये आपका मैट्रिक्स है ठीक है। Yeah, I have 3 complete हो गए, fourth I am sponsoring more than 4 also, 4 also, 5 also, then what happened? आप जब चौथा स्पॉन्सर करेंगे तो वो यहाँ, अगर इन्होंने स्पॉन्सर किसी ने भी नहीं किया, ये नीचे पूरा अगर खाली है, कोई भी यहाँ पे नहीं आया, आप अगर चौथे Okay. व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। आप जब पांचवे Okay. व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे वो यहाँ पे आएगा, छठे को आप स्पॉन्सर करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब अगर आप सातवें को स्पॉन्सर करेंगे तो यहाँ पे, आठवां यहाँ पे, नौवां व्यक्ति आएगा आपके यहाँ पे, और दसवां व्यक्ति आप करेंगे तो यहाँ पे, ग्यारहवां आपका यहाँ पे, और बारहवां आपका यहाँ पे, इस तरह से ये वन बाई वन आएंगे सर। ये होने के बाद पहला बंदा ही स्पॉन्सरिंग 3 पीपल, देन यहाँ पे आपका रिसाइकिल हो चुका है। ओके ओके, अब ये व्यक्ति है, इसने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की, ये सिर्फ 3 लोगों को स्पॉन्सर करता है, तो ये Okay. 3 लोग हैं, ये 3 लोग इसी के स्ट्रक्चर में आने हैं। ओके 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 ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा 9 पीपल भरने के बाद मेरा मैट्रिक्स खत्म हो गया ना, रिसाइकिल होगी, सो रिसाइकिल में अगेन आई एम रिक्रूटिंग, आई हैव टू डू अगेन डायरेक्ट 3 पीपल आर नॉट सर। रिसाइकिल में आप जो रिसाइकिल हो गया उस समय आप और नए लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जहां भी जगह खाली है वहां आएगी, वो बंदा आ जाएगा। प्लस मान लीजिए ये पहला बंदा है, इसका ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये भी रिसाइकिल हो गया, तो ये रिसाइकिल में जो आपका स्ट्रक्चर है वहां पे जो जगह इसको खाली मिलेगी वहां पे आ जाएगा। ओके ओके, सो ओके ओके, सो सेल्फ मैट्रिक्स हम बने बढ़िया है ना, सो एवरीबॉडी हैव, वी हैव टू इंट्रोड्यूस, एवरीबॉडी हैज टू मिनिमम टू 3 पीपल एंड डुप्लीकेट द सेम, then only we will get the yeah yeah bilkul theek hai sir, okay sir, thank you thank you।
थैंक यू। तो लगभग सभी के सवाल जो भी यहाँ पे उनके जवाब हो गए, आपको सारी जो है स्ट्रक्चर और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। समय भी आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। गुजर सुरेश जी गुजर का कोई क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट ले। सुरेश जी बोलिए। हेलो जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सुरेश जी? बस बढ़िया है सर। जी सर बोलिए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं तो वैसे ही सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस मीटिंग के अंदर आए और इस प्लान को समझा, और बहुत ही अच्छा प्लान है जी सर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए सर इसके अंदर। बहुत बढ़िया सर, आपका मैसेज, आपकी तैयारी पता है हमें, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लॉन्चिंग की, और थैंक यू आप। हाँ जी सर। सर श्यामलाल जी करौली के नाम से है, उनको अनम्यूट करिए सर। श्यामलाल जी करौली जी। यस सर। हेलो हेलो जी सर बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नहीं कब कर रहे सर, स्टार्ट कब कर रहे हो? सर बहुत जल्दी जो है गुड न्यूज आने वाली है, अगले 2-3 दिन आप कंटिन्यू वेबिनार में रहिए। जो क्रिएटर हैं जो हमारे जो है जिनके माध्यम से ये पूरा सिस्टम हमारे पास आया है, वो हमारे साथ जूम पे लाइव रहेंगे, तो आगे का जो भी अपडेट है वहाँ पे अपने को जो है अगले 1-2 दिन में सर अपने को मिलने वाला है। नहीं मैं रेगुलर देख रहा हूँ इसको 15-15 दिन से। बिल्कुल सर, 1-2 दिन में अपने पास एक गुड न्यूज आने वाली है, जहाँ तक उम्मीद है लगभग जो है 21 तारीख तक जो है लॉन्च होने की। अच्छा जी सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, जब जल्दी जल्दी हो जाए क्या एकदम। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी तरह सभी लोगों को बहुत जल्दी है, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन जो भी समय अपने को एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है, जो भी 2-4-5-7 दिन का, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ये प्लान पहुंचाएं, ताकि पहले जैसे अपने हमेशा कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी होती है, आगाज अगर अच्छा होता है ना, तो है काम, आधा काम तो उसी समय हो जाता है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें और बाकी जो है बहुत जल्दी से शुरुआत होगी, ताकि पहले दिन ही आपकी टीम के अगर लोग होंगे पहले दिन आपके साथ में, तो जो है पहले दिन जो है एक अच्छी इनकम और एक अच्छी शुरुआत अच्छी टीम के साथ आप कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों लगभग सभी साथियों से बात हो चुकी है, आखिर में सिर्फ इतना कुछ कहूंगा, दो बात, उसके बाद में आप वेबिनार खत्म करेंगे। लगभग जो सवाल थे उनके जवाब आपको आज मिल चुके होंगे, फिर भी अगर कुछ रहता है तो हम ये जो है टाइम टू टाइम हम ऐसे वेबिनार जो है करते रहेंगे मीटिंग, जहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिल जाए, और बाकी अभी हो सकता है कुछ सवाल हो, लेकिन जिस दिन ये शुरुआत होगी, इसकी लॉन्चिंग होगी, उस दिन के बाद दोस्त सभी के सभी सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है सारे सवाल खत्म हो जाते हैं कि इसका कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा। जब इसकी शुरुआत होगी, आपकी तैयारी शानदार होगी, जब आप शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे, तो आप जब सुबह उठेंगे, आज का दिन गया, सुबह उठेंगे तो देखेंगे आपके वॉलेट में $500 आए हैं, $200 आए हैं, $1,000 आए हैं, कहाँ से आए हैं, आप आपकी आईडी में जाएंगे तो पूरा सिस्टम आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा। तो सभी किंतु परंतु जो भी है वो मिटाएं और जो है तैयारी करें कि एक अच्छी शुरुआत हम कर सकें, पहले से एक अच्छी टीम बना के रखें, ताकि जो है अच्छी शुरुआत हो सके। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूंगा और फतेह सिंह जी को वापस कहूंगा कि समाप्त करें। ओवर टू यू फतेह सिंह जी। थैंक यू मकसूद भाई। दोस्तों मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सबको वेट है कि लॉन्च कब होगा,
लेकिन इस इम्पोर्टेंस को भी आप समझिए कि लॉन्चिंग का जो भी हमें मार्जिन मिल रहा है अगले दो दिन, पांच दिन, सात दिन या आठ दिन जो भी है, तो उस मार्जिन टाइम में हम अपना कितना बड़ा टीम क्रिएशन कर सकते हैं। ये वेबिनार हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम डेप्थ टू डेप्थ अगले सात आठ दिन में चाहें तो कम से कम 200-500 लोगों की टीम बना सकते हैं। तो वेबिनार की इम्पोर्टेंस को समझे, और जब बार बार अगर वेबिनार में हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है कि ये जो सारा फिगर दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट में आ रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो चीजें 100% जीवन में घटित होती है। तो दोस्तों अपना अभी तक का सबसे एवर बेस्ट प्लान रेंडियस है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, इसकी पूरी तैयारी करें। 2022 में सारे दोस्त करोड़पति अरबपति बनके ही प्रवेश करने वाले हैं जो भी मेहनत करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की मीटिंग का समापन करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। कल मिलते हैं 1 बजे, हमारा डेली 1 बजे और शाम को 8:30 बजे कंटिन्यू वेबिनार रहता है। तो ओके, गुड नाइट दोस्तों।